हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसे आप जानकर सोचेंगे कि ये भी यूज़ की चीज़ है। तो देखिए, मैं आपको लौकी के छिलके की सब्जी बता रही हूँ। लौकी तो आप बनाते ही होंगे, उसके छिलके आप ज़रूर फेंक देते होंगे। तो मैंने चाकू से, ज़्यादा मोटी नहीं, देख सकते हैं आप, इतनी मोटी छिलके को, लौकी के छिलके को हमने छील ली है। छील कर अच्छी तरह से धो लिए हैं। 3 आलू हमने लिए, छोटे साइज़ के लिए, इसलिए क्योंकि जिस साइज़ की हमारी लौकी के छिलके रहेगी उसी साइज़ की आलू काटूंगी। अब बड़े आलू को भी 20 से आधे करके काट सकते हैं, थोड़ी सी पचफोरन। एक हरी मिर्च, मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें। थोड़ा पोस्तू हमने लिया है, इसे लास्ट में थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी, बस इतना ही। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। लौकी के छिलके को हमें छील लिया है हमने इस तरह का, इसे हमें इस तरह से इतनी मोटी इस साइज में हमें इसे काट लेनी है। और इसी तरह से हम आलू को भी, मैं दिखा देती हूँ एक आलू काट कर आपको, इस तरह से छोटे छोटे साइज में, जैसे हमने लौकी के छिलके काटे हैं उसे साइज में हमने आलू भी हमें काट लेने हैं। देखिए ये काफ़ी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप सोचेंगे कि लौकी के छिलके हैं, फेंक देते होंगे, लेकिन एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा। आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे और फिर छिलके को आप कभी फेंकना नहीं चाहेंगे। काफ़ी अच्छी लगती है। एक बार इसकी सब्जी जो मैं बता रही हूँ बनाकर जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए और उसे आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूँगी उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो मैं जो भी नई नई रेसिपी आप अपलोड करूँगी उसे आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए पहले दोनों चीज़ों को काट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी सब्ज़ी बनानी है। देखिए हमने इसे बारीक काट ली है, पानी में हमने डाल के रखे हैं आलू को, इस तरह से बारीक पतली पतली काट ली है। और इसे हम थोड़ा सा हल्का सा इसे बॉयल करेंगे एक उबाल आने तक, उसके बाद इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। उसके बाद मैं इसका भुजिया या सूखी सब्जी में बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये एक उबाल हमारी आ गई है, अब हम इसे बंद कर देते हैं और स्ट्रेनर में छान लेंगे। अब मैं बताती हूँ कैसे इसकी सब्जी बनानी है। इतना ही हमें इसे बॉयल करना था। देखिए एक बर्तन में हमने इस तरह की स्ट्रेनर रखी है, आप किसी भी स्ट्रेनर में इसे छान लीजिए। और इसे एक बार ठंडे पानी से मैं धो देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सब्जी बता रही हूँ। डाल दी है गर्म होने के लिए, अब हम इसमें पचफोरन को डाल देते हैं। ऑयल हमारी गर्म हो गई है, देखिए हमने पहले पचफोरन डाल दिया, उसमें 2 हरी मिर्च जो हमने ली थी वो डाली और आलू थोड़ा सा एक बार हमने चला लिया। उसके बाद ये लौकी के छिलके को हमने डाल दिया। इसमें मैं थोड़ी सी 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और ये हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन रही है, ये काफ़ी टेस्टी लगती है। लौकी के छिलके की है ये, इसे आप फेंक देते होंगे लेकिन इसकी सब्जी एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। चलिए इसे थोड़ा सा 5 मिनट में ढक देते हैं। देखिए इसे खोल कर देख लेते हैं, अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं हमें। ये हमारी बन आधी तो पक चुकी है, देखते हैं आलू पकी है कि नहीं। आलू भी पक गई है और ये हमारा लौकी का छिलका भी बन गया है, पक चुका है। इसे हमने थोड़ा सा बॉयल किया था तो ये हमारी हो चुकी है। 1 मिनट और इसे भून कर ये कम्प्लीट हो जाएगी, उसमें हम पोस्तूदाना डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए 1 मिनट के लिए और ढक देते हैं इसे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बन चुकी है। गैस को ऑफ कर देते हैं। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी 5 मिनट के अंदर ही ये बनकर रेडी हो गई। सिर्फ 5 मिनट ही हुए होंगे और ये हमारी लौकी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा इसमें मैं पोस्तूदाना, गैस हमने ऑफ कर लिया है, थोड़ा सा पोस्तूदाना इस तरह से हम इसमें छीट देते हैं। ये ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद नहीं है पोस्तू तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। बस इतना है और ये बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। ये चावल के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। चलिए इसे सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे सर्व कीजिए। ये कितनी सुंदर और कितनी जल्दी बनी है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। अब आप लौकी के छिलके को कभी मत फेंकिएगा, उसकी एक बार मेरे कहने पर एक बार ये चीज़, ये जो रेसिपी मैंने बताई है, इसे ज़रूर बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।